गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल पर पिछले क्लास में देखा था जो जनरली मोल कंसेप्ट में मोल और गैसियस वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। इसमें कल हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आज भी हम उसी पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसमें गैस की मात्रा या गैस का वॉल्यूम या फिर गैस का मास का कैलकुलेशन करेंगे। जिसमें पिछले दिन हमने आपको बताया था कि किसी भी गैस का मास दे दिया जाए और उस गैस की मास में उसके मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर ली जाए और उसको वन मोल का जो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी पे डिपेंडेंट हम आज फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल दे रहे हम लोग, यानी क्वेश्चन होगा व्हाट इज द वॉल्यूम, ऑफ 32 grams of sulfur dioxide measured at STP। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेजर एट STP। हमें मोल कंसेप्ट का जब सिग्निफिकेंस सब पढ़ रहे थे तो हमें मिला था कि किसी भी गैस का STP पर वन मोल का वॉल्यूम जो होगा वह जनरली 22.4 लीटर होगा। एक कप ये जनरली एट STP, पिछले बार कई बोला है हमने कि STP है क्या, तो STP के लिए हम शर्त रखा है कि हम उस समय गैस का वॉल्यूम काउंट करते हैं जिस समय टेम्परेचर मेरे पास 273 केल्विन और प्रेशर मेरे पास 180 इतना ही मेजर हम लोग करते हैं। यदि इससे बढ़ जाए या इससे घट जाए या बढ़ जाए तो इसके वॉल्यूम चेंज करती है। इसलिए गैस के वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी इस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम इसको कांस्टेंट रख करके जिस समय टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180 काउंट रखते हैं उस समय उसको हम बोलते हैं क्या, STP। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में कि जनरली दिखाते हैं कि मास ऑफ गैस दिया हुआ है 32 ग्राम, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ दिखा रहा है सीधे व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इक्वल टू सीधा हमने दे देते हैं कि व्हाट, वॉल्यूम इक्वल टू क्या व्हाट, और फॉर्मूला के अनुसार उस गैस के लिए हमने ही रखा है मास ऑफ गैस बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मल्टीप्लाई 22.4 लीटर इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस। तो हमें और चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसका, तो सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसमें हमने कल लिखा था GMN ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको सिखाया था कि उस मॉलिक्यूल फॉर्मूला या उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्जेंट ऑफ एटम जो है उनके एटॉमिक मास का सम कर देना है, यानी एडिशन कर देना है। एडिशन पर जो रिजल्ट आएगा
वह जननी उसका कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। यानी ऐसी स्थिति में सल्फर का एक एटम है और उसका एटॉमिक मास 32 है, प्लस सल्फर का दो एटम्स है जिनकी एटॉमिक मास 16 है, रिजल्टेंट जो हो रहा है वह 64। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमको इस मास पे इस सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम काउंट करने के लिए बात की जा रही है कि वॉल्यूम अब कैसे निकलेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बटे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 22.4। ध्यान देना, हम ये लिख रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास को यहाँ ग्राम नोट कर रहे हैं, यहाँ मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम मेजर करेंगे 32/64 मल्टीप्लाई 22.4। डिवाइडर दिखा रहा है, 32 का 2 टाइम्स का डिवाइडर दिखा रहा है और 2 टाइम का ये भी डिवाइडर दिखा रहा है, रिजल्टेड जो होगा वह 11.2 लीटर होगा। यानी 32 ग्राम गैस का एसटी पेपर जो वॉल्यूम काउंट होगा वह जनरली 11.2 लीटर होगा। इसको नोट कर लिया जाए, हम फिर अगले न्यूमेरिकल पर चलेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 20.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोजेक्ट। हमको कैलकुलेट करना है, ये भी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, ये जनरली कह रहा है कंडीशन जो लगा हुआ है वो एसटीपी है, मास ऑफ क्लोरीन गैस का जनरली हमें मिल रहा है बस 21 ग्राम। लेकिन हमने हमेशा आपको याद कहा है कि आपको क्या करना है कि जनरली मेडिकल सोल्व करने के लिए आपको कम से कम वन एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना होगा। ऐसे स्थिति से एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिले हैं, लेकिन यहाँ देखिए हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हम सीधे बिठा रहे मन, और शायद आप लोग को भी पता है ये क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस के रूप में जब होगा तो डाई एटॉमिक होगा, यानी इसके मॉलिकुलर फार्मूला Cl2 बनेगा, इसलिए कि गैस ए गैस जो होती है हेलोजन फैमिली का मेंबर जो है जिसको हमने आपको बताते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स का होंगे और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, वह बनेगा Cl2। कैलकुलेशन में सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, तो मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 7.1 ग्राम। फिर हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम सीधे यहां दिखा देते हैं वाट, यानी वॉल्यूम क्या है, और उस फॉर्मूला के अनुसार हमको कह रहा है कि चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला, तो हमें वेट है ग्राम में, तो हम जो मास कैलकुलेट करेंगे वह ग्राम मोलिकुलर मास काउंट करेंगे,
तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन डायटॉमिक, इसलिए हमने सीएल टू लिखा है, डायटॉमिक है इसलिए हमने इसको सीएल टू लिखा है, यानी इसको पढ़ना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन के लिए हमने सीधा ये बताया कि जब मॉलिक्यूलर मास काउंट करना रहे तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इज इक्वल टू 71। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 671 चाहे यू लगा देते या के यू लगाते, लेकिन हमने तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास करा है तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं 71 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ गैस काउंट करने के लिए तो वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन और मल्टीप्लाई एट एसटीपी का दिशा लगा हुआ है, एसटीपी पर फिक्स है, वन मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर हुआ है फिक्स है, तो हम वैल्यूएबल मान होगा 22.4। यहाँ तक ठीक है, इसलिए कि हम जो हमने पीछे एप्लीकेशन में दिया है मास ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला था आप लोग को, हमने दिया है आपको एप्लीकेशन, इसी फॉर्मूला को यहाँ सहारा ले रहा है, ए का डिवाइडर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में हमको क्या करना है एवोगाड्रो नंबर का गुना नहीं देना है, ये 22.4 का मल्टीप्लाई देना है, तो यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, तो हम इसी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे मास ऑफ क्लोरीन जो दिखा रहा है वह 7.1 बटे 71 मल्टीप्लाई 22.4 लिखे, इसका मतलब डेसिमल नीचे आएगा, एक डेसिमल नीचे आएगा, ये डिवाइडर दिखा रहा है एक डेसिमल के कारण, एक हमारे पास रिजल्टेंट जो देगा वह 2.24 लीटर काउंट हो जाएगा।
volume of complete the volume at STP STP of gram of carbon dioxide. हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन हमको कैलकुलेट के लिए किसका दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मेजर करने के लिए दिया गया है। मेरे पास मास मेजर है वहां 2.2 ग्राम और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रखा गया है। तो सोल्यूशन में हम काम करेंगे वॉल्यूम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 2.2 ग्राम। वॉल्यूम इक्वल टू सीधे मेरे पास रखा गया है वाट ठीक आ रहा है। तो हमको इस फॉर्मूला के अनुसार चाहिए ग्राम मोलकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम मोलकुलर मास और कार्बन डाइऑक्साइड। तरुण वही नियम सिखाए थे कि पॉजिटिव ऑफ एटम का टोटल का एटॉमिक मास का एडिशन कर दो। तो कार्बन का एक एटम है इसकी एटॉमिक मास 12 है प्लस ऑक्सीजन का दो एटम है इनकी एटॉमिक मास 16 है। अब 16 है इसका तो हमारे पास होगा और यूनिट के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा ग्राम। हमें मिल गया है तीन चीज मास ऑफ गैस वाट वॉल्यूम के लिए तीसरा हमको मिल गया है ग्राम मोलर मास। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आइटम क्या होगा तो हमें मिलेगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई ग्राम मोलकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 22.4 इक्वल टू 2.22 बटे 44 मल्टीप्लाई 22.4। डेसिमल को यहां से सीधा हटा लेते हैं इसको भी डेसिमल को डालेंगे तो ज्यादा 10^2 आएगा और 10^2 आएगा तो 2 टाइमर डिवाइडर ही दिखा रहा है और 2 टाइमर डिवाइडर है भी 2 टाइमर का डिवाइडर है और ऐसी स्थिति में मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वह 1.12 ये मेरे पास मीटर काउंट होती है इसमें इसलिए हम लगा लेंगे क्या यानी उस गैस का आयतन जो वॉल्यूम जो काउंट होगा जिसकी मास 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का होगा उसकी वॉल्यूम जो होगा वह जनरली 1.12 लीटर काउंट किया जाएगा। यानी फॉर्मूला पर फिर हम आपको ध्यान दिया रहे हैं याद रखना है अपने एप्लीकेशन फॉर्मूला में जो हमने दिया है स्मॉल एम डिवाइडेड कैपिटल एम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यदि गैस का रिलेटेड है गैस से रिलेटेड है तो इसको भी यूज करेंगे इसको भी यूज आएगा लेकिन यहाँ जो होगा नंबर ऑफ एवोगाड्रो का नहीं यूज हो करके 22.4 का मल्टीप्लाई होगा और ये रिजल्ट जो देगा वह वॉल्यूम ऑफ गैस है। ध्यान एप्लीकेशन में इस शर्त पर याद रखना है कि गैस का जब न्यूमेरिकल है तो गैसेस न्यूमेरिकल यदि वह मोल कंटेंट पर डिपेंडेंट है यहाँ एवोगाड्रो नंबर जो मल्टीप्लाई लेते हैं वह एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई न लेकर के 22.4 का काउंट करेंगे लीटर का और रिजल्ट जो देगा वह जनरली वॉल्यूम ऑफ गैस देगा। और ऐसी स्थिति पे यदि 1, 2, 3 और 4 चीज में से कोई 3 चीज मिल जाए तो चौथे चीज को हम लोग काउंट कर लेंगे। यदि किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया
और उस गैस का नाम बता दिया तो हम आसानी से बताएंगे कि वो गैस का कितना मास लिया है। ठीक है, इस तरह हम आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और इस तरह मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम आसानी से यूज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली